नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात के सूरत में हुई कोचिंग सेंटर में दर्दनाक हादसे के बाद रायसेन जिला प्रशासन भी सचेत हो गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने भी कोचिंग सेंटर्स की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसडीएम ने देर शाम नगर के कोचिंग सेंटर्स का मुआयना किया, लेकिन अधिकारियों के जांच पड़ताल करने की सूचना मिलने पर कोचिंग सेंटर संचालक पहले ही कोचिंग सेंटर्स में ताले लगाकर चले गए। आज अभी पूरी टीम के साथ मैंने 3 कोचिंग सेंटर चेक किए, तीनों बंद पाए गए। शायद ऐसा पता चला है कि इन लोगों ने, इनको खबर लग गई कि कोचिंग चेक करने यार उन्होंने बंद कर दिया है। कल हमारी पूरी टीम फिर से कोचिंग सेंटर चेक करेगी और जो जो उसमें कमियां होंगी उनको हम दुरुस्त करवाएंगे। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे इसमें कोचिंग सेंटरों में, होटलों में या कहीं आग लगती तो उसके कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं, वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसको लोगों को अवेयर करने के लिए सभी पेपरों में दें ताकि लोगों को पता चले कि कैसे बचाव किया जाता है। अगर कोचिंग सेंटर में कोई कमियां पाई जाती हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? ये जहां मैं खड़ा हूं इसके पीछे आप देखेंगे दोनों बिल्डिंगों में दो कोचिंग लगती हैं। ये दोनों ही बिल्डिंग काफ़ी जर्जर स्थिति में है। मेरे साइड में CMO जो मेरे टीम के सदस्य हैं, इनको मैंने कल कहा है कि अपने इंजीनियर को लेके आए। यदि ये बिल्डिंग डिसमेंटल करने की स्थिति में है या जर्जर स्थिति में है तो इनके कोचिंग बंद करवा के और इसको डिसमेंटल घोषित करने के लिए जो कार्रवाई होती है वो भी करूँगा। रायसेन से भारत मीणा की रिपोर्ट।